का दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजी लॉकर वेरीफिकेशन को लेकर। जैसे ही आप यहाँ पर डिजी लॉकर वेरीफिकेशन करने जाते थे तो यहाँ पर आपको वीआर सॉरी की प्रॉब्लम आ जाती थी। दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डिजी लॉकर वेरीफिकेशन होना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप डिजी लॉकर वेरीफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब वीआर सॉरी की प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर अब आपको दोस्तों ये एक नई प्रॉब्लम शो कर रही है जिससे यहाँ पर आप लोग अपना डिजी लॉकर वेरीफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ छात्र यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ छात्रों का यहाँ पर डिजी लॉकर वेरीफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कौन से छात्रों का डिजी लॉकर वेरीफिकेशन नहीं हो रहा और कौन से छात्रों का यहाँ पर डिजी लॉकर वेरीफिकेशन हो रहा है, कैसे वे अपना आगे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो सब कुछ डिटेल का वीडियो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर अपनी डिजी लॉकर वेरीफिकेशन करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपका पहले से बना है तो यहाँ पर आप साइनअप कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप सारे डिटेल फिलअप कर लेते हैं, यहाँ पर आप डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पर अलाउ ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स शो नहीं हो रही हैं, हालांकि यहाँ पर आपका डिटेल्स शो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर जेंडर, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एड्रेस, ये सारी डिटेल यहाँ पर शो होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आपका फ़ोटो भी आना चाहिए, यहाँ पर साइड में आपका फ़ोटो भी आना चाहिए। ये सारी डिटेल आनी चाहिए तभी यहाँ पर आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल आती हैं तब यहाँ पर आपको वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो नहीं हो रही हैं। आप यहाँ पर वेरीफाई डिटेल पे क्लिक भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से नीचे यहाँ पर आ जाता है अलाउड फॉर उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है और आपका डिजी लॉकर सत्यापन नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आप को बताएं कि उन से छात्रों का यहाँ पर डिजी लॉकर वेरीफिकेशन नहीं हो रहा, किन छात्रों को यहाँ पर वेरीफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है और किन छात्रों का यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफिकेशन हो रहा है और उनका फॉर्म भी फिलअप हो रहा है और कब तक आप लोगों का यहाँ पर फॉर्म जो प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व हो पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप लॉगिन करके आते हैं, अपना यूपी स्कॉलरशिप, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद जब भी लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट रहता है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन सेल भी कम्प्लीट रहता है, फिर यहाँ पर आपको डिजी लॉकर वेरीफिकेशन करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप डिजी लॉकर से सत्यापन करिए ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर आपके हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरीफिकेशन, इस पर भी क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे आपका यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है, जैसे अलाउ पे क्लिक करते तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर किन छात्रों को आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कक्षा 11 या फिर आप यहाँ पर कक्षा 12 के लिए फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अपना डिजी लॉकर वेरीफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप आगे आपका डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट होने के बाद अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो नहीं हो रही, इन छात्रों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। इन छात्रों को यहाँ पर वेट करना रहेगा, 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व हो जाएगी। 1-2 दिन बाद ये आप छात्र अपना डिजी लॉकर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के बाद अपना डिजी लॉकर सत्यापन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट किन का है, दोस्तों अगर आप इंटर के ऊपर कोई कक्षा 12 के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो सभी छात्रों के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे छात्र अपना सक्सेसफुली डिजी लॉकर वेरीफिकेशन कर सकते हैं। अगर उनको पता नहीं है कैसे उनको डिजी लॉकर वेरीफिकेशन करना है, इससे रिलेटेड हमने पहले से वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को देखकर आप अपना डिजी लॉकर वेरीफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ गया। कैसे आपको डिजी लॉकर वेरीफिकेशन, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना, सारी डिटेल हमने उस वीडियो में बताया है, उस वीडियो को देखकर अपना आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, डिजी लॉकर वेरीफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कक्षा 11-12 के लिए उनको उन छात्रों को वेट करना रहेगा, उन छात्रों को बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है यूपी स्कॉलरशिप रिलेटेड सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट होगा कक्षा 11-12 के लिए, जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।